हेलो सो, तो आपको भी फ्रॉड कॉल आते होंगे ना कि पेटीएम केवाईसी करवा लीजिए, एटीएम से बोल रहा हूँ, बैंक की तरफ से फोन कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने ओटीपी बता दीजिए अपने फोन में से। तो इस तरीके के मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करना है दोस्तों। अगर बैंक से कोई फोन आता है, एटीएम से कोई फोन आता है, तो फोन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। खासकर मैं बता दूं, फीमेल्स के लिए ये वीडियो है। फीमेल्स को ज्यादातर ये लोग टारगेट करते हैं। फीमेल्स जितने भी अकाउंट होते हैं वो डेटा रहता है इनके पास, और फीमेल्स को ज्यादातर ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो फीमेल्स जो भी स्टेटस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, खासकर गौर से सुन लीजिए। अगर बैंक की तरफ से फोन आता है कि बैंक की साइड से बोल रहा हूँ, एटीएम का आपका पिन बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, कुछ शेयर नहीं करना, डायरेक्ट बोलिए बैंक में जाके, ब्रांच में जाके बात कर लूंगी, बैंक में जाके बात कर लूंगी। अगर पेटीएम केवाईसी से रिलेटेड कोई फोन आता है तो बोलिए मैं शॉप है हमारी, हम शॉप पे जाके बात कर लेंगे। अगर ज्यादा परेशान करे तो डायरेक्ट बोलना कि ये नंबर पुलिस को दे रही हूं। सारे कॉल कट जाएंगे दोस्तों, जैसे पुलिस का नाम आएगा ना वहीं पे समझ जाना, पुलिस का नाम सुनते ही कॉल कट जाएंगे आपके। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉड कॉल से बचिएगा। बहुत ही मेहनत का पैसा होता है आपके बैंक अकाउंट में, आप बहुत ही मेहनत से जमा करते हो, उस चीज की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं, कभी भी कोई फ्रॉड कॉल आए तो फंसना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।